हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि की दिवालिया चैनल। आपके सामने कुछ ब्रांचेस रखी हैं। तो आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स, वो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बालों को काला करने का कुछ नेचुरल तरीका बताएं, जिसके लिए हमें कुछ खास ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। ठीक है, तो हेयर केयर की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, 11 मंथ का 3rd वीक का वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो बहुत पहले के ज़माने में मेरी नानी दादी जो थी, मतलब कि मेरी शादी हो गई, मेरा बेटा हो गया, उसके बाद तक उनके हेयर बिल्कुल ब्लैक थे। कोई एक आधा बाल था जो उनका वाइट दिखता था। मेरी सासू माँ, जिनकी डेथ अभी 2-3 महीने पहले ही हुई है, उनके हेयर आधे से ज़्यादा, मतलब वो 100 ईयर्स की होने वाली थी, उनके आधे से ज़्यादा हेयर ब्लैक थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस कारण से थी, उस टॉपिक पर एक छोटा सा पॉइंट मैं अपना बताना चाहूँगी आपको कि पहले के ज़माने में नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते थे, जैसे करी पत्ता हो गया, जैसे आंवला हो गया, जैसे नीम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम खाने में भी यूज़ करते थे और इनका हम अपने हेयर पर एप्लीकेशन भी करते थे, जैसे नीम का तेल या फिर सरसों का तेल। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो सरसों का तेल भी बालों में लगाया जाता था, आंवले का तेल भी, कड़ी पत्ता तो हम हमेशा खाते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, नेचुरल चीज़ें, जो आपके हेयर को लंबे टाइम तक ब्लैक रख सकती हैं, घना बनाती हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करती हैं, आपके बालों में साइन लाती हैं, चमक लाती है और उनको स्ट्रेट करती हैं। तो पहले ये सब कुछ नहीं था, स्ट्रेटनिंग करवाओ और हीना लगाओ और कलर लगवाओ, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है आजकल। तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो फिर वो उनके हेयर इतने ब्लैक कैसे रहते थे, उसी में से कुछ चीज़ें लेकर मैं आज आपको एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और जिसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो सब की सब नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी केमिकल वाला चीज़ हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। 2 से 3 चीज़ों का यूज़ करके हम आज का इस टॉपिक पर फर्स्ट वीडियो जा रहा है। रिंस वाटर बताऊँगी। टोनर बहुत सारे हैं चैनल पर, सीरम बहुत सारे हैं, पैक बहुत सारे हैं, बट रिंस वाटर पहला है ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने आंवला लिया है, आप फ्रेश ले सकते हो, इसका पाउडर ले सकते हो, जो चाहे, और हमने करी पत्ता लिया है। ठीक है, ये आंवला की गुठलियां हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो हमें लेनी ही लेनी है। इसके बाद लोहे का बर्तन, कुछ भी हो, कढ़ाई हो, कटोरा हो, जो भी हो, वो आपको लोहे का बर्तन ही लेना है। ठीक है, नॉर्मल टैप वाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं, भर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने जो मेरा कटोरा था उसमें मैंने 2 गिलास, ठीक है, 2 गिलास इसमें मैंने पानी भर कर रखा है। और इसको बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई वो सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने जो आंवला की गुठलियां हैं वो भी इसमें ऐड की हैं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट मैं एक भी पार्ट, जो भी चीज़ मेरे पास है उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहती, इसलिए मैंने गुठलियां भी इसमें ऐड कर दी हैं। आप चाहो तो ये जो ब्रांच मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इनको, आप चाहो तो इनको क्रश कर सकते हो या मेरी तरह ऐसे ही मोड़ माड़ के इसमें डाल दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। 5 मिनट वेट कीजिए, जितना वाटर है वो सारा का सारा, 2 गिलास रखा है तो 1 गिलास हो जाना चाहिए, इतना आपको इसको बॉईल कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से खद्दे लगा लेने हैं। ठीक है, तो हाफ हो जाता है ये, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठंडा कर लेंगे, इसको छान लेंगे और फिर बताऊंगी इसमें हम 1-2 चीज़ और क्या ऐड करेंगे। और ये रिंस वाटर जो मैं बना रही हूँ सिर्फ 15 दिन के लिए बना रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा टाइम के लिए बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, बट मैं इसको बाहर ही रखने वाली हूँ, 15 दिन काफ़ी होते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, ये ख़राब नहीं होगा। रिंस वाटर कैसे यूज़ करते हैं वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने हेयर को वॉश करती हूँ, तो मैं इसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही यूज़ कर लूँगी। कहने का मतलब ये है कि 2 हफ्ते में 4 बार यूज़ होने वाला है, तो 1 गिलास वाटर काफ़ी होता है। ठीक है, तो चलिए जो मैंने बताया है वो कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पानी का कलर आप देख सकते हो, ब्लैक हो चुका है, ये देखिए ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, और जितना पानी हमने चढ़ाया था इसमें उसका हाफ हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है और मैंने इसको छान लिया है, आप कलर देख सकते हो कितना ब्लैक कलर आया है, और यही ब्लैक कलर आपके हेयर पर जादू कर देगा, आपके हेयर को ब्लैक बना देगा। यहाँ पर मैं ऑयल मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल मिक्स करने से ये होता है कि ये थोड़ा सा ऑयली आपके हेयर को देगा, क्योंकि हम इसको आफ्टर वॉश अपने हेयर पर यूज़ करेंगे, तो उसके बाद अगर आप बालों में हल्का सा ऑयल लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाल आसानी से सुलझ भी जाते हैं और सिल्की साइनी भी बनते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है इस वाले
लिक्विड में ज़रूर आप इसको बनाइए। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए अच्छे से, और एंड में एक मग में पानी लीजिए और उसमें ये आधा कप आपको डाल लेना है। उस वाटर को मिक्स कीजिए और वो मग अपने हेयर पर पूरा ऊपर से नीचे तक डाल दीजिए। बस उसके बाद आपको अपने हेयर को सुखाना है, दोबारा कोई पानी यूज़ नहीं करना है।